ये सर नगर पालिका द्वारा दी गई है, नगर पालिका द्वारा दी गई है मेरे को, मेरे खोखा था तो 40 साल पहले वो टूटा था, उसके आवाज़ में इन्होंने बोला था यहाँ पे मुझे ये दे दिया गया था, मेरे पास बकायदा नगर पालिका से कागज है जो कि ये सर नगर पालिका द्वारा दी गई है, नगर पालिका द्वारा दी गई है मेरे को, मेरे खोखा था तो 40 साल पहले वो टूटा था, उसके आवाज़ में इन्होंने बोला था यहाँ पे मुझे ये दे दिया गया था, मेरे पास बकायदा नगर पालिका से कागज है जो कि ये है जी, ये नगर पालिका ये साहब ने साइन करके दे रखे हैं कि ये दुकान उनको दे दी जाती है, ये मेरे 173,000 रुपये मैंने ये जमा करा रखे हैं, ये और ये फिर एसडीएम साहब मान लो या कोतवाल साहब कोई सुनने के लिए मेरे राजी नहीं है, ये जबरन मुझे बाहर कराने हैं और फिर सामान वो डरा धमका के बाहर कर रहे हैं कि सामान बाहर कर, नहीं तो मैं तेरे को बंद करा दूँगा, मैं अपनी आत्महत्या भी कर लूँगा जी, तो ये लोग जिम्मेदार होंगे आज, मैं दुकान से तब हटूंगा जब मैं अपनी आत्महत्या करूंगा, तब मैं हट जाऊंगा, ये तो इन्हें मुझे मानना पड़ेगा, तब जाके जब ये कागज़ की निमानी में कागज़ दिखा रहा हूँ जी, मेरे पास कोई वो नहीं फ्रॉड काम नहीं है कि मैं कोई जोर जबर करके बैठा हूँ या अवैध कब्जा करके बैठा हूँ, मैंने पूरी जमा करी है, ये मेरे पास कागज़ है, ये जाके ये मुझे क्यों जाके नगर पालिका से पूछो कि इसे दुकान कैसे दे दी, मेरे सर कोई फ्री में नहीं थी, 40 साल को खोखा था वो टूटा गया, उसके आवाज़ में मिला मुझे, बहुत गरीब आदमी को सभी पेट में लात मारने के लिए राजी होते हैं जी, अमीरों को सब ढूंढे किसी को जरा टच करके दिखा दूँ हम मान जाएंगे, और खोखे अमीरों को खोखे थे कोई नहीं टूटा जी, सिर्फ हम गरीबों को टूटा, आज यहाँ पे आइए फिर इन्होंने ये ड्रामा शुरू कर दिया इस तरह से, पहले MDDA की बैठक हुई थी और जो पूर्व में DC साहब की जो यहाँ पे थी तो उसके ये निर्देश दिए गए थे कि यहाँ महिला शौचालय बनेगा, उसके बाद जो यहाँ पे कुछ दुकानों का अलॉट किया गया तो उसी क्रम में MDDA के द्वारा हमें हमसे जो इन दुकानों को हटाने के लिए हमसे पुलिस और प्रशासनिक सहयोग की मांग की गई थी, उसी क्रम में आज की कार्रवाई हो रही है और ये तीनों दुकानों को जो शटर हैं उसको ध्वस्त करके आगे इसलिए महिला शौचालय का निर्माण किया गया, इनका काम भी बढ़ गया है, बीच में बारिश के कारण थोड़ा काम डिले हुआ, बट जो टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है और हम 20 अप्रैल तक इस काम को पूरा करेंगे। असल जैसे दुकान तोड़ी जा रही है यहाँ पे तो कुछ लोगों पालिका और MDDA के मध्य का मामला है, MDDA के द्वारा जो पहले जो निर्देश दिए गए थे उसके बाद नगर पालिका ने अलॉटमेंट किया है तो उसके लिए नगर पालिका ने पूर्व स्वीकृति भी नहीं ली है MDDA से, तो इसी के क्रम में कार्रवाई हो रही है।